सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। मेरा बोलने का मतलब ये है, वो मेरी दोस्त सुमैया है, देखो उसके बकरे से अच्छा बकरा लेके आओ बस, वरना वो नो मेरी ऑनलाइन बेइज्जती करती बहुत। समझ गया समझ गया। क्या समझे? यही कि तंदुरुस्त जानदार तरवताजा गोश वाला बकरा लाता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अच्छे दिख रहे, जबरदस्त बकरे इधर। हाँ भाई, बकरा कैसा दे रहे? ऐसा उठा के ऐसा दे रहा हूँ। अरे डेढ़ साल दिख रहा है ना। अरे भाई मेरा मतलब बकरा कितने में दे रहे? 13,000। 13,000? क्या बड़े भाई बकरा बेच रहे ने, बकरा बना रहे। अरे भाई, बकरे को पालने के खर्चे, उसको बेचने का खर्चा, लाने का खर्चा, GST PST सब मिला के मार्केट के हिसाब से बेच रहा हूँ बड़े भाई। अरे बकरे से पहले इसके रेट आसमानों को पहुँच गए ना यारो। अरे भाई कौन सा भी जरा सस्ता देख के दियो उस्ताद। भाई चाइना के बकरे नहीं होते सस्ता देने के वास्ते, 1.5 लाख के भी बकरे अंदर। 1.5 लाख भाई ना, सोने के महंगे देते क्या? अरे बड़े भाई दिमाग खराब नको करो, खाली पीली गिराक के टाइम पे जो भी है लगा के दे दे तू। हाँ ठीक है, देख लेके बोलता हूँ। अरे अरे इसकी इन्हें मेरे को कहीं को देख रहा रे भाई। अरे अरे इसकी इन्हें मेरी तरफ कहीं को आ रहा रे भाई। डाल लिया यारो। रेट तेरा सुन के मैं हैरान हो गया, खसाई की फीस पूछ के परेशान हो गया। तेरी कुर्बानी तो ईद के दिन होती बकरे मियाँ, मगर मैं तो इससे पहले कुर्बान हो गया। अरे तो दूसरा बकरा देख लेना रे भाई, मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक। वाह क्या जबरदस्त बकरा चुने उस्ताद तुम, क्या पसंद है तुम्हारी? अरे हौले कहीं कुछ अड़ा रहा इसको। ऐसा है तो फिर ले लेंगे। तुम तो बकरे को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। चल। नहीं पांक। नहीं चल। नहीं रे। अरे चल रे। नहीं अरे यारो चमन, तुम चमन के चमन ही सरते यारो जिंदगी भर। बकरे को ऐसा कान को पकड़ा तो नहीं आता? कान को नहीं पकड़ना तो क्या पकड़ना फिर? टांग, टांग को पकड़ के ऐसा उठा के ले लेके आना। ड्राइवर तो ऐसा बोलो ना यारो, 2 मिनट में ले लेके आता हूँ। अरे चमन बकरे की भी इज्जत रहती, ऐसा टांग खींचना बुरी बात है रे। अरे यारो तुम्हारा बकरा धूल चटा दिया यारो। जानदार बकरा है, अगर इसके पैरों का सूप बना के पिए ना हड्डियों में ताकत आती। अरे जान के पीछे पड़ गया इन्हें तो। ऐसा है तो एक काम करो, ये बकरा ले लेंगे। चलो उठाओ, पैसों की बात करिए। टांग हटाओ उसके। चलो हटाओ पीछे से, जाली उठाओ जाली उठाओ। अरे अरे भाई बकरी का बच्चा बेच रहे हैं शेर का, कुर्बानी का बकरा रे रे नहीं खत्ता खुशी का। अंधेरे भाई खिराक दिख रहा है नहीं। अरे ऐसे 36 किराकों को कंकरा चबाने लगे अपन। भाई ले रहे तो बोलो दे देंगे, टाइम वेस्ट नको करो। 11,000 दे तुम। 13,000। 11,200। 13,000। 11,500। 13,000 से 1 रुपया कम ना लेता हूँ। 11,700। 13,000। 12,000। 13,000। 12,500 लास्ट, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, दियो खिस्सा कर दो, बात को समझो, दे डाल ले रे। पैसे दियो बकरा लियो। पैसे गूगल पे कर दे। गूगल पे नंबर बोल। 813 729 00। हाँ हो गया, देखो भाई लौटा जी। लौटा चल। अम्मू मेरे को छोड़ के नको जाओ। मैं जानू मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ, मैं अगर तुम मेरे से सच्चा प्यार करते तो दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। देखो मैं तुम्हारे को मेरी कसम,
मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, जल्दी आओ। जानू अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो जानू। मैं यू टू अच्छा हुआ चले गया था लिंदर मुर्दा, ये नको करो वो नको करो बोल के दम करता था मैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत बकरे हैं, किसको भी फंसा लेती हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मैं घास के पत्तों में मेरा ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, वेर आर यू? आओ कम कम, आई गॉट दिस बकरा फॉर यू। ये क्या मरतिंगड़ा है, इसमें गोश कम हड्डियां ज्यादा दिख रही तुम्हारे जैसा। हाँ तो फिर कैसा लाना था, गेंडा बकरा लाना था क्या तुम्हारे जैसा? ये घस नहीं दिख रही, फ्रिज को घसे जैसा घस देती तुम्हारे को। ये पौ किलो का हाथ दिख रहा, पंच मारा तो अम्मा के घर को जाकर डिच्चा मार के वापिस आना तुम। अजी पागल आदमी, मैं तुम्हारे को जाते टाइम ही बोली थी अच्छा जानदार गोश वाला बकरा लेके आओ बोल के, अब मेरी फ्रेंड सुमैया मेरी कितनी बेइज्जती करती कि। ए बेवकूफ औरत, तुम ये कुर्बानी अल्लाह को खुश करने दे रही है तुम्हारी फ्रेंड सुमैया को? हाँ ना ये बकरा ना उसका गोश ना खून ना कोई चीज़ अल्लाह तक पहुँचती सिवाय तकवे के, साफ नीयत के। अगर तुम सच्चे दिल से और नेक नीयत से कुर्बानी देंगी तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, अगर तुम दिखावा रियाकारी को कर रहे हैं या लोगों को खुश करने कर रहे हैं तो कबूल नहीं होती। मेहनत के पैसे और ये बेजुबान जानवर की कुर्बानी वेस्ट हो जाती, समझे? ये व्हाट्सएप की दुनिया से, इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आओ, हकीकी दुनिया में जियो, समझ रहे? समझ रहे, खाली बोले तो नहीं होता, खुद भी अमल करना उस पर। हाँ करते बोल के बोलते, नहीं तो क्या है तुम्हारे जैसे हवा में बात नहीं करते हम। अजी तुम क्या खाली बकरा लेके आ गए, उसके खाने के वास्ते कुछ तो भी लाना था नहीं? अरे तुम्हारा भाई क्या खाता मेरे को क्या मालूम जी। जी मेरे भाई के बारे में नहीं बकरे के बारे में बोल रही हूँ। आओ जी गुटे पे घास मिलती शाम में ला लेता हूँ। ठीक है जब तक उसको सड़े हुए टमाटे और कल रात का खाना दे। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, उन्हें बकरा है बेवकूफ नहीं, उसको कुछ भी डालती तो खाने के वास्ते में। आओ नहीं तुम्हारे को दे दे के मेरे को आदत हो गई जी। 3 घंटे तक तुम मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, नहीं तो नहीं तो मैं चल रहा हूं। कावार होने खा रहा, गुस्से में दिख रहा क्या चमनी ने? बहुत गुस्से में होने मारे, दूर रहे फसलियां तोड़ देता रहता तेरे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। अरे भाई जाके चार मीनार घुमा के लेंगे उसको। अरे क्या ने, तेरे फुप्पू का बेटा है गांव से आया, चार मीनार घुमाने लग जाएंगे सर का बोल रहा क्या रे? उसको घास में और गोबर में फर्क नहीं मालूम। मैं मगर इंसान और जानवर में फर्क मालूम है रे। अरे काका, अरे कुरैशी साहब आ गए। क्या वार हो, ये बैल के साथ क्या कर रहे हैं तुम यहाँ पे? अरे कुरैशी साहब जरा गौर से देखो, ये बैल नहीं बकरा है। बकरे कुछ पूछ रहा हूँ, बैल के साथ क्या कर रहे हैं बोल के? अरे क्या हुआ बड़े भाई? क्या हुआ? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ बड़े भाई, गुस्से में कहीं को आ रहे हैं? अब कब काटते बोलो? हाँ ठीक है कर देंगे ना, 3000 रुपये होते। अरे बड़े भाई हत्ती के बच्चे को नहीं बकरी के बच्चे को काटना है यार उस्ताद। 2500 दे दो तुम्हारे वास्ते सिर्फ। अरे बड़े भाई बस्ती का मसला है यार, 2500 लेके कर दो यार कुरैशी भाई। अरे नहीं होता यार बड़ा है वो, 551 एडवांस में दे दो कर देंगे। हाँ अलो भाई 551 50 रुपया खुला दे रहे दे रहा भाई दे रहे हैं 551। तो सुन रहे ना भाई मैं क्या करता हूँ, नमाज के बाद बकरे को नीला धुला के रेडी कर देता हूँ, कल आके काट दो। ठीक है परसों असर की नमाज के बाद रेडी कर लो, आ जाता हूँ मैं। अरे भाई पड़ोसों का भाई कल काटना है। 80 बकरे 12 घरा हाथ पे है मेरे करने के वास्ते, परसों का दिन होता 81 नंबर तुम्हारा है। पैसे दे दो भाई पैसे दे दो, दूसरा खसाब देख लेते हम लोग, दे दो। एक बार जो एडवांस दे दिया वापिस नहीं आता समझे? अरे चमन बोल दे रहे उसको ना तो डाल देता हूँ। तू क्या डालता, डालने का सामान तो मैं लेके आया हूँ।
अरे भाई मैं बोला बकरे को घास डाल देता हूँ, तुम कहीं गुस्से में आ रहे हैं भाई। एक काम करो, परसों बोले ना, परसों आके कर दो, ठीक है ना? ठीक है। अरे वो इतना किराक है नहीं? हाँ उन्हें किराक, बकरा गरम क्या है रे वो ये। खैर वो सब होगा, मैं घर को जाके जरा बेगम को बोलता हूँ कुर्बानी के वास्ते पूरे रेडी रख दो बोल के बर्तन। अच्छा सुन, एक रुपये कब देता? अच्छा सुनो, वो मैं जो है सो कुरैशी भाई से बात कर लिया और उनको एडवांस भी दे दिया, कल आके उन्हें कुर्बानी कर देते रहते। तुम क्या है वो सिल्वर की बड़ी टोकरी निकालो गोश्त के वास्ते। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, गोश्त के 3 हिस्से होते हैं नहीं? हाँ। तो अच्छा वाला हिस्सा अपन लोग रख लेंगे, छिछड़े गरीबों में बांट देंगे और हड्डी वाला हिस्सा रिश्तेदारों में बांट देंगे, ठीक है? इसको बोलते देखो नियत में खोट, भगोना भर के दूध में मेंग नहीं डालना। अरे ऐसा क्या बोली मैं? बैठो बोलता हूँ। क्या बोल रहे थे बोलो। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक हदीस का मफहूम है भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने दूसरे मोमिन भाइयों के वास्ते पसंद करो, समझे? अपन अच्छा गोश्त रख ले के हाँ गरीबों को छिछड़ों का गोश्त दे दिए, रिश्तेदारों को हड्डियों का गोश्त दे दिए, तो क्या मतलब? हाँ इतना मेहनत से, इतना कमाई से, पैसे का कुर्बानी का जानवर ला के, नेक नीयत से, तकवे के साथ कुर्बानी दे के, थोड़ी सी लालच के वास्ते अपन जो है सो हड्डियों का गोश्त दे दे रहे, छिछड़ों का गोश्त दे दे रहे, तो मतलब नहीं है, कुर्बानी कबूल नहीं होती, समझे बात को तुम? हाँ मरने के बाद तुम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, समझ रहे? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। हाँ अच्छा याद दिलाए तुम, मैं भूल गई थी ये सब। खैर हम लोग सब लोगों को साफ गोश्त बराबर का बांटेंगे, ठीक है? बराबर बराबर। ये तो कुर्बानी का क्या मतलब जी? हाँ बोलो तुम। हाँ हाँ सही बोले, ना? अच्छा चलो, बहुत सारा काम है हम लोग को, चलो काम। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा सुनो, फिर भी मैं क्या बोल रहा था, हड्डियों का छिछड़ों का गोश्त तुम्हारे बाबा को दे सकते। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत्यकाल, वड़क्काम। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मार के वायरल करो और आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। अगर आपको जो है अच्छे और ज़बरदस्त तेलंगाना पोटला वगैरह वगैरह होना है तो आप जो है बल्ला गुड़ा जहांगीराबाद सवेरा होटल के एग्जैक्टली अपोजिट पर आपको जो है तो बकरे पोटले गिटले रखे हुए पाड़े हैं, बैला है। तो क्या है, ये हमारे भाई है, ये ओनर है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो भाई आपको मिलेंगे। भाई क्या है, आप कस्टमर को भाई को माइक दो। भाई आइए जो भी है देखिए, कम करके लगा देंगे। क्या रेट चल रहा भाई? हाँ रेट क्या चल रहा? अरे हाँ 26,000 की जोड़ी है, आगे ले लो जो भी है भाई, रख दे दे, देख समझ के ले लो, निकाल के रख देंगे। अरे काकी बोले भाई, बोल अभी काकी, भी है निकाल के रख देंगे।